एक फिल्म रिलीज होने वाली है, मिस टनकपुर हाजिर हो, उसका विरोध शुरू हो गया। और विरोध भी कैसा, यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भैंसी गांव में खाप ने फरमान सुनाया है कि जो भी इस फिल्म के निर्देशक विनोद कापड़ी का सिर कलम करेगा, निर्देशक का सिर कलम करेगा, उसे 51 भैंस इनाम में दी जाएंगी। अपने प्रोमो की वजह से जबरदस्त चर्चा में रही मिस टनकपुर हाजिर हो को लेकर अब विवाद हो गया है। मिस टनकपुर की कहानी एक भैंस के इर्द गिर्द घूमती है जिसका बलात्कार हुआ है और फिर पंचायत के आदेश पर आरोपी के साथ भैंस का ब्याह होना है। गांव की पंचायत ने यह फैसला किया है कि इस अर्जुन ने उस भैंस से ब्याह करना पड़ेगा। सच्ची घटना पर बनी फिल्म के बोल्ड सब्जेक्ट पर यूपी के मुजफ्फरनगर में विरोध हो रहा है। भैंसी गांव में अहलावत खाप ने पंचायत बुलाकर कहा है कि ऐसी फिल्में समाज पर बुरा असर डालेंगी। खाप ने फिल्म के निर्देशक का सिर कलम करने का फरमान भी सुना दिया है। इन्हें बच्चों को भैंस पर रेप बता रहे, आदमी भैंस के साथ रेप कर रहा। अगर ऐसे ऐसी पिक्चर बनाई गई जो ये पिक्चर बना रहा है उसका सर कलम कर दे। अगर भैंस ही में 51 भैंस दी जानी उसे, जो उनका सर कलम कर कलाओगे यहाँ, और पिक्चर जो चलाओगे हर लोगों से मार दी जाएगी। फिल्म में पंचायत के दिखाए एक सीन पर भी आपत्ति है। पंचायत का कहना है कि फिल्म में पंचायत को गलत तरीके से पेश किया गया है। हमारी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जो पंचायतें हैं इन्हें बदनाम न किया जाए, क्योंकि इन पंचायतों ने ही देश आजाद करे, देश के विकास में साथ दिया है। खाप की मांग फिल्म को रिलीज करने से पहले दिखाने की है, वरना फिल्म चलने नहीं दी जाएगी। होता क्या इस देश में कि किसी भी चीज पर विवाद करना और तूल देने की एक आदत सी बन गई है। बहुत ही स्वस्थ फिल्म है। खाप पंचायत को अगर शिकायत की तो वो बात करते, अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाप पंचायत किस तरह के फैसले कर रही है। उसी तरह के फैसले फिल्म में भी कुछ हिस्सों में हैं और जो कि खाप पंचायतें कर रही है। फिल्म की शूटिंग यूपी के ही कई इलाकों में हुई है। मिस टनकपुर हाजिर हो में ओमपुरी, अनु कपूर, संजय मिश्रा और ऋषिता भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। पेशे से पत्रकार रहे विनोद कापड़ी की ये पहली फिल्म है। बावड़ी पूछ, उस तो जाके बोल कि पुलिस आई है। अरे भैंस इतनी समझदार होती तो पुलिस में ना भर्ती हो जाती। इसी महीने 26 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म।